बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप लोगों को पता है कि मुल्क में लॉकडाउन की सिचुएशन है, जिसकी वजह से काफ़ी स्कूल और कॉलेजेस बंद हो चुके हैं। आज हम बच्चों से पूछते हैं और उनकी राय लेते हैं कि उनका क्या कहना है कि मुल्क में लॉकडाउन की सिचुएशन है, वो ऑनलाइन क्लासेस कैसे लेते हैं। इन सारी राय को और इन सारों पर नज़र डालने के लिए आज हम इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद अली इंजारा है। अच्छा, आप कौन से स्कूल और कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मैं क्लास 5 में पढ़ती हूँ और मेरे स्कूल का नाम बीकना स्कूल सिस्टम है। माशाल्लाह, अच्छी बात है। अच्छा, आपको पता है कि मुल्क में लॉकडाउन कोरोना वायरस की वजह से चल रहा है, तो क्या आपका ऑनलाइन सिस्टम किस तरह का प्रोसेस है? थोड़ा सा हमारे साथ प्रोसेस शेयर करना चाहेंगी? अच्छा ठीक है। पहली बात ये है कि अगर हम एक मेल पे जाते हैं, जीमेल पे जाते हैं, अगर हमें लाइव सेशन करना हो ना, तो मैम हमें टीचर एक लिंक भेज देती हैं, हम उसके ऊपर टैप करते हैं तो एक और लिंक आ जाता है। वो कहता है, उसके ऊपर लिखा होता है आस्क टू ज्वाइन। तो जब वो उसको डुबाते हैं, पूरी की पूरी क्लास हो जाती है और टीचर भी साथ उनके फेस टू फेस बात हो रही होती है। हम क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और जो भी करना है मैम कर सकते मैम समझाती भी हैं और बताती भी हैं। और दूसरी बात यह है कि जब अगर हमें कोई कॉपी वर्क या हाथ की लिखाई वर्क करना होता है, तो उसके लिए एक अलग ब्लैंक होता है, उसके ऊपर टाइप करते हैं। जब उसको ओपन करते हैं तो सारा टीचरों ने वीडियोस भी भेजी होती है, री इन्फोर्समेंट्स भी भेजी होती हैं करने के लिए। हम कॉपी भी भेज कर उनको भी दे सकते हैं या हम डायरेक्ट कर सकते हैं। माशाल्लाह, आपने बड़ा तफसीली बताया। अच्छा, अगर आपको बीच में कोई क्वेश्चन पूछना हो टीचर से लाइव सेशन के बीच में, तो उसमें क्या मतलब आपको मुश्किल तो नहीं आती क्वेश्चन पूछने में? क्योंकि क्यूरीज काफ़ी होती हैं बच्चों की, तो आप कैसे उनसे क्वेश्चन लाइव सेशन पे पूछ सकती हैं? ये कोई ऑप्शन है इस तरह की? जी है, एक वो नीचे होता है और एक साथ पे होता है ब्लैंक। जो नीचे वाला ब्लैंक होता है वो सबको जाता है, क्लास को भी, पूरी क्लास को जाता है और मैम को भी जाता है। जो साथ वाला है वो प्राइवेट है, वो सिर्फ टीचर्स को जाता है। सही है। तो आप मुझसे कुछ शेयर करना चाहेंगी कि इसके क्या क्या पॉजिटिव और क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स हो सकते हैं? पहले आप नेगेटिव पॉइंट पे ज़रा रोशनी डालीजिएगा। नेगेटिव पॉइंट ये है कि खुदा ना खास्ता अगर ये नेटवर्क चला जाए या बिजली चली जाए, तो हमारे पास कोई चीज़ नहीं होगी जिसे हम उनसे कांटेक्ट कर सकें और वो हमें काम भेज सकें। सही है, सही। और इसका पॉजिटिव बताइएगा। पॉजिटिव ये कि वो जो हमें ना इतना जल्दी उठना नहीं पड़ता। अगर स्कूल स्कूल में जैसे फर्ज करें हम स्कूल जा रहे हैं बाय कार, तो उसमें हमें जल्दी उठना पड़ता है क्योंकि स्कूल की इजाज़त नहीं मिलती आफ्टर 8 o'clock, तो वो बंद कर देते हैं, तो हमें वापस जाना पड़ता है। अगर हम ऑनलाइन की बात करें तो हम अगर लेट हों या अर्लियर हों, दोनों में हम वो मान लेते हैं कि अच्छा ठीक कही या आगे चलो काम करो। सही है, बहुत अच्छी बात है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया, आपका शुक्रिया। जिस तरह अभी हमने एक आलिन ज़ारा का इंटरव्यू लिया है, इसके बाद अभी हमारे साथ एक और भी स्टूडेंट मौजूद हैं, इनसे भी इनका इंटरव्यू लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एलिया ज़ारा है। आप कौन से स्कूल से हैं? मैं भी ग्राम स्कूल सिस्टम से। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मैं 2 ANH में पढ़ती हूँ। अच्छा, आप लोग को पता होगा कोरोना वायरस की वजह से मुल्क में लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है, इसकी वजह से आप लोगों को स्कूल नहीं जाना पड़ रहा, ठीक है, घर में बैठ के क्लासेज लेनी पड़ रही है, कोई मुश्किल पेश आ रही है इसमें या नहीं क्या इजी है? मुश्किल तो नहीं पेश आ रही, लेकिन काम थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। अच्छा, जल्दी हो जाता है। अच्छा, आप हमारे साथ कोई ये शेयर करना चाहेंगी कि इसके क्या नुकसान हैं अगर आप फर्ज करें एज़ कम्पेयर टू देखें स्कूल में काम करने के, स्कूल में पढ़ने के, और इसमें घर बैठ के करने में, आपको कोई नेगेटिव पॉइंट नज़र आता है इसमें? जी, मुझे एक आता है जी जी जो अगर अल्लाह ना करे कि एक लैपटॉप हो और हम 3 बच्चे हैं और एक लैपटॉप हो और हम कैसे कैसे मुश्किल मैनेज करें, हाँ ठीक है। कैसे मुश्किल में हम पढ़ जाएंगे कि क्लास वर्क कैसे करना है, 3 बच्चे हैं, क्लास वर्क कैसे करना है और एक लैपटॉप है।
सही है सही है। तो इस पे आप अपनी फ्रेंड्स को मिस कर रही हैं? जी, फ्रेंड्स को भी बहुत मिस कर रही हूँ, और आउटिंग भी बहुत वैसे ख़त्म है। अच्छा, तो इसकी क्या टाइमिंग होती है? जो स्कूल की टाइमिंग है वही टाइमिंग है कि इसकी घर में भी और टाइमिंग है? नहीं, स्कूल की टाइमिंग ही है, एट ठीक है, ओ क्लॉक से लेकर 2 o'clock। सही है सही है। तो आपको अब जो है जब ये जब तक ये बंद हैं स्कूल वगैरह सब कुछ कॉलेज बंद हैं, तो तब तक आप जो है घर में इधर ही स्टडी करेंगी, आप क्या फील समझ रही हैं? आप इंजॉय कर रही हैं या आपको स्कूल में जाना चाहिए था? मैं इंजॉय कर रही हूँ घर में बैठ के। अच्छा, आप एज़ कम्पेयर टू स्कूल में जाने से बेहतर है कि आप घर में बैठ के इंजॉय कर रही हैं। आखिर में आप ये बताइएगा कि कोई क्या अच्छा चीज़ है इसमें घर पे बैठ के काम करने में, कोई पॉजिटिव पॉइंट हमें अगर आप शेयर करते हैं हमारे साथ। हमें फैमिली टाइम भी बहुत ज़्यादा मिल जाता है। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आपका बहुत अच्छा इंटरव्यू हुआ, शुक्रिया आपका। तो जिस तरह आप लोगों ने अभी देखा कि बच्चों ने बताया कि उनके जिस तरह के एक ने बताया कि उसको अगर इंटरनेट नहीं है तो उसने नेगेटिव ये बताया पॉइंट कि इंटरनेट की वजह से उसको मुश्किल हो रही हो सकती है, एक ने बताया लैपटॉप की वजह से। कैमरामैन मुर्तजा के साथ इरशाद अब्बास को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।